18। तो दोस्तों सलमान सर जो है वो गुस्सा हो गए कशिश के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, सलमान सर जो है वो कशिश के जो है ना हर वक्त क्लास लगेगी, हर हफ्ते कशिश कपूर की क्लास लगेगी, क्योंकि सलमान सर जो है दोस्तों यहाँ पर गुस्से में आ चुके हैं। और सलमान सर ने बोल दिया बस करो अब तुम लोग दोनों, ये जो चल रहा है तुम्हारा बस करो। देखिए सलमान सर क्या बोल रहे हैं ना, चलिए सुनते। मेरे पास इस सीजन के वाइल्ड कार्ड धमाके हैं, आप एक दूसरे को जानते हैं? I am the main character। हाँ, उसकी वजह से ही हुआ था दिग्विजय के साथ स्प्लिट्स विला में, है ना। हमने तो स्प्लिट्स विला का रिव्यू भी किया था, याद है ना, मुनावर आया था जो। पॉडकास्ट पे जाके मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया, अच्छा वो किसी पॉडकास्ट में जाके इसने नाम लिया, कशिश ने दिग्विजय का नाम लिया था, ये जो मेरी वजह से दिग्विजय का स्प्लिट्स विला वो हार गया, ये सब बोला था होगा। फिर मैं बोलूं संभल के, तुम्हारी किस्मत की डोर मेरे ही हाथ थी लास्ट, और आज यहाँ हो तो भी मेरे ही कारण हो। ये मुझे समझ नहीं आया, ये कशिश के कारण दिग्विजय आया ये बोल रहा है कैसे? दोस्तों इन दोनों के कारण ही ये दोनों बिग बॉस में आए, क्योंकि ये दोनों बिग बॉस में आना चाहते थे फेम के लिए, है ना। इन दोनों ने ऐसा ही गेम खेला स्प्लिट विला में, दिग्विजय और कशिश ने। वैसे कशिश का असली नाम तो कशिश है नहीं, क्योंकि वो बंगाली है, बंगाली गर्ल है, उसका नाम बदला है कशिश कपूर। कपूर कोई बंगाली नहीं होता है, कशिश कपूर इसने अपना नाम बदला है, मुझे ऐसा लग रहा है। जो भी हो वो अपना पर्सनल मैटर है, इंडस्ट्री में नाम चेंज करना पड़ता है फेम के लिए, कशिश ने भी किया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कशिश बोल रही है मेरी वजह से तुम आया हो, नहीं दोस्तों इन दोनों की वजह से ये लो ये दोनों इधर आए हैं फेम के लिए, है ना। उस लड़की के लालच के कारण मेरा बचपन का सपना टूट गया, मेरी माँ रो दी। तो सच ही तो बोला, ये तो सच बोला। और सलमान सर अपने हाथों से अपने मतलब सिर को छू रहे थे, ये कहा मैं फंस गया हूँ। मैं ये नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं चाहता अपनी जिंदगी में। हाँ, दिवाली में नेगेटिविटी नहीं चाहता मैं, ये सही बोल रहे हो, है ना। इनका हो गया तो मेरा हो गया, सलमान सर ने बोला हो गया आपका, अब जाइए घर के अंदर और ज्यादा बकबक मत करिए। सलमान सर दोस्तों कशिश की बैंड लगाएंगे हर हफ्ते, देखिएगा सलमान सर जो है हर हफ्ते कशिश कपूर का क्लास लेंगे, क्योंकि ये जो कर रही है आके ये सब, ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं सलमान सर को। तो देखिएगा सलमान सर क्या करते हैं और कितने दिन ये टिकते हैं, देखते हैं ये जो कशिश और ये जो है कितने दिन ये टिकेंगे, दिग्विजय और कशिश विवेन के सामने कितने दिन टिक पाएंगे ये, है ना। क्योंकि स्टार प्लेयर विवेन है ना, वो थोड़ी ना कोई दिग्विजय को आने से दिग्विजय के पास थोड़ी ना वो जाने देगा वो ट्रॉफी, है ना। क्योंकि देखिए अभी उसने क्या बोला विवेन ने, तूने एक ट्रॉफी क्या बोला था करणवीर को विवेन ने, याद है ना, कि तूने अभी एक ट्रॉफी उठाई है अब मेरी बारी है, मुझे ट्रॉफी उठाने दे, मैंने ट्रॉफी के लिए घर में जगह बना के रखी है ना, विवेन ने बोला था। तो विवेन के होते हुए आई डोंट थिंक दिग्विजय जीत पाएगा, वोटिंग भी मिल जाए तो भी आई डोंट थिंक, क्योंकि दिग्विजय तो टास्क अच्छा करता है, माइंड गेम्स ठीक है वो अच्छा खेलता है मैं मानता हूँ, पर वो स्प्लिट्स विला था, ये बिग बॉस है ना, वो स्प्लिट्स विला था और ये बिग बॉस है। बिग बॉस में जो है स्प्लिट्स विला एक स्क्रिप्टेड है थोड़ा सा बहुत, है ना, और ये बिग बॉस ये स्क्रिप्टेड नहीं है। कुछ लोग बोलते स्क्रिप्टेड है, नहीं ये स्क्रिप्टेड नहीं है यार, कुछ कुछ चीजें जो होता है वो थोड़ा सा वो होता है मैं मानता हूँ, कुछ कुछ चीजें होती है थोड़े से बिग बॉस बायस होते हैं कुछ कंटेस्टेंट्स के लिए, क्योंकि वो सीनियर कंटेस्टेंट होते हैं, कलर्स के मतलब काम किया हुआ सीनियर होते हैं। देखिए दोस्तों एक चीज मैं बता दूं आपको क्यों बायस होते हैं, क्योंकि देखिए आप अगर किसी कंपनी में काम करते हो 13-14 साल से, किसी कंपनी में आप सीनियर पोस्ट में हो, तो कंपनी का ओनर आपको ज्यादा लाड प्यार से रखेगा ना, तो ये रीजन है ना, इसमें बुरी बात नहीं है। हर सेक्टर में ऐसा होता है, जब मैं कॉरपोरेट में था पहले तो मैं देखता था कैसे सीनियर जो है, जो बड़े सीनियर लोग कैसे जो छोटे सीनियर ज्यादा काम करते हैं बहुत सालों से एक कंपनी में, उनको रेस्पेक्ट दिया जाता है और नए वालों को जो है ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता, तो ये होता है हर जगह में, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये दुनिया का रूल है ना। आपने अगर किसी कंपनी में काम किया बहुत साल तक, आप सीनियर है तो उस कंपनी का ओनर आपको ज्यादा लाड प्यार से रखेगा और नए वालों को ज्यादा वो करेगा, लाड प्यार नहीं देगा, तो ये होता ही है हर वक्त हर जगह होता है, बिग बॉस में नहीं हर इंडस्ट्री में, गवर्नमेंट सेक्टर में भी होता है ये चीज, जो ज्यादा अच्छा काम किया सीनियर है उसको लाड प्यार से रखा जाता है, और जो नया नया सीनियर आया छोटे पोस्ट में उनको थोड़ा ज्यादा काम करवाते और रगड़ाते हैं, और जब वो सीनियर होते हैं तब वो भी ऐसा बन जाते हैं ना, तो इसमें बायसनेस कुछ नहीं है, ये दुनिया की रूल है, दुनिया का रीत है ना। चलो दोस्तों थैंक यू भाई, किसी के फैंस को बुरा लगे तो सॉरी। गौत ये दिग्विजय और कशिश तो अभी आए इंडस्ट्री में, और ये लोग विवेन तो कब का थे, पहले से इंडस्ट्री में वो था, बहुत काम किया विवेन, जब मैं स्कूल में था ना तब विवेन सीरियल करता था विवेन, तब मैं देखता था उसका सीरियल, कभी कभार देख लेता था टीवी में आता था, तो तब का टाइम का है वो,
चलिए उसको थैंक यू भाई, किसी के फैंस को बुरा लगे तो सॉरी, वीडियो को लाइक करिए। खैर सलमान सर बहुत गुस्से में है कशिश के ऊपर, है ना, क्लास लगेगी कशिश की हर रोज हर हफ्ते। चलिए थैंक यू भाई।